तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारी फ्रेंड और हम। तो आप सब देख सकते हैं हमारा सब खाना पीना हो गया है और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब हम पहुँचेंगे रामटेक। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों बस एक आगे पीछे हैं और अब हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं लिखा है श्री राम टेकरी मंदिर प्रवेश द्वार। तो ये राम टेकरी मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है जो कि आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। आपको मैं यहीं से दिखाती हूँ राम मंदिर हमको चलते चलते कहाँ तक जाना है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। वो दिख रहा होगा आपको ऊपर में वाइट कलर का दो गुंबद बना हुआ मंदिर का। तो बस हमको वहीं ऐसे गोला घूमते हुए चलते चलते जाना है। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। और वीडियो में बने रहिए। और हमारे मित्रगण आप देख सकते हैं सारे फ्रेंड लोग हैं पैदल चलते चलते सब कुछ जा रहे हैं। जिनके पास बाइक का साधन था भाई दोस्त यार थे वो तो चल दिए, बट हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और ये वहाँ के श्रद्धालु लोग हैं जो दर्शन करके निकल रहे हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। काफ़ी ऊपर है और तेज़ धूप है, मंदिर बहुत ऊपर है और इतनी तेज़ धूप है और हमको चलते चलते जाना है। तो आप सब बने रहिए गाइस। तो अब हम चढ़ रहे हैं राम टेकरी जी की पहाड़ी दोनों। तो हम जा रहे हैं राम टेकरी मंदिर। आप देख सकते हैं इधर इतना चढ़ना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं सब कोई चल रहे हैं और स्टॉल उड़े हुए हैं और पैदल पैदल सबकी यात्रा है। और ये पूजा तृप्ति ये दोनों को प्रकाश लेके चला गया, बट मुझे कोई नहीं ले गया। बट कोई बात नहीं, राम जी की इच्छा थी मैं पैदल चलते हुए उनके दर्शन करूं। तो बस अब हम पहुंच रहे हैं और ये रही गीता और उसकी फ्रेंड बैठे हुए हैं सब छाँव में। अब धीरे धीरे सब ऊपर चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर का कितना सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप सब वीडियो एंजॉय करिए। और ये रहे हमारे जय सर जो जा रहे हैं लेने किसी को। तो यह मंदिर पहाड़ के बीच में स्थित है जिसकी वजह से इसका प्रकृति नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं तालाब भी काफ़ी बड़ा सा है और बहुत सुंदर है। ये राम टेकरी मंदिर जो कि बहुत ही ऊंचाई पे है, आप देख सकते हैं। तो चढ़ते चढ़ते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यह बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और हमारे राजधानी रायपुर से 140 किलोमीटर दूर है। कटघोरा मार्ग में रतनपुर गांव में स्थित है यह राम टेकरी मंदिर। यहां राम जी माता सीता के साथ विराजमान है और ये ग्रेनाइट की मूर्ति है यहां पर, और हनुमान जी की भी बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। रतनपुर महामाया मंदिर से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो हम सब महामाया माता के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन करने आए हैं और राम जी माता सीता के साथ विराजमान है जो अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। तो चलिए हम सब उसका दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जैसा कि आप सुन रहे हैं भक्तगढ़ जो हैं जाते हुए राम जी का नारा लगाते हैं और हम लोगों ने मिल के लगाए राम जी के नारे। और अब लगभग हम पहुँच ही चुके हैं, बस थोड़ी सी दूरी बची है। आप देख सकते हैं वो मंदिर दिख रहा है, बस अब यहाँ से 100 मीटर है और अब हम पहुंचने वाले हैं। तो ये पहुंच गए राम जी के दरबार में। तो वहां अंदर के वीडियो बनाना तो अभी ये नवरात्रि के पर्व की वजह से लगभग बंद है, तो अंदर का वीडियो तो नहीं पर मंदिर के चारों तरफ बाहर का मैं दर्शन आप लोगों को ज़रूर करवा सकती हूं। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सफ़ेद रंग से पोता हुआ मंदिर है। पैदल चलते आते आते तो थोड़ी हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि काफ़ी दूर चलना पड़ गया अपने आप को और इतनी तेज़ धूप है। और चलिए अब भगवान जी के पास चलते हैं, उनसे मिलने हैं। तो ये रहा मंदिर का द्वार, आप देख सकते हैं। और यहाँ से साफ साफ लिखा है मंदिर के अंदर फ़ोटो कितना सख्त मना है। और ये सब बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने। और आप सब वीडियो में बने रहिए। तो राम जी और माता जानकी की कृपा से मेरा उनसे मिलना हो चुका है और मेरे उनके दर्शन भी अच्छे से हो चुके हैं। मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं, आप सब भी मानसिक रूप से उनकी दर्शन कर लीजिए। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ सख्त मना है, वहाँ की पुजारन भी बहुत खूंखार, तो बिल्कुल भी नहीं ले पाए हम। और ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है, आप देख सकते हैं सबका फ़ोटो और सेल्फी मोमेंट चालू हो चुका है लग रहा है। और ये राम जी का प्यारा सा मंदिर जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे।
और राजा भीम सर ने इसको बनवाया था उसकी प्रति। हम आए हैं राम टेकरी मंदिर, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा कि प्रभाकर सर के साथ जय श्री राम के नारा हमारे छात्रों ने लगाया और साथ में मैंने भी। तो अब बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने बस के लिए। तो ये रहा शेखर जो कि मुझे छोड़ने जा रहा है। राम जी की कृपा भी कितनी अद्भुत है, मुझे पैदल बुलाए और जाते टाइम ज़्यादा कष्ट मत हो करके एक सवारी भी दिला दी। तो धन्यवाद राम जी आपका। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ऊपर से मैंने व्यू कवर किया है राम टेकरी का, जो अपने आप में कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैंने कोशिश की है छोटा सा ब्लॉग बनाने की, आई होप सब आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है और सामने देखिए हमारे फ्रेंड लोग फुल हाईवे का आनंद लेते हुए लहरते हुए उतर रहे हैं। इनके लिए गाना तो बनता है पंछी बनी उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन से। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, अभी हम चलेंगे इसके बाद लखनी माता के मंदिर। तो ये प्यारा सा तालाब, प्रकृति का सुंदर अद्भुत नज़ारा जिसने दिल जीत लिया हमारा। तो जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये रहे हमारे आचार्य सर सभी छात्रों का ध्यान रखते हुए कि सब बच्चियां जितनी भी आई हैं बस में बैठ जाएं, उसके बाद फिर हम यहां से निकलते हैं। सारे बॉयस और सबकी टोली निकल चुकी है और अब बस थोड़ी देर में हमारी बस भी यहां से छूटेगी और उसके बाद होगा जय माता दी। अभी तो हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं चेहरे की चमक चली गई है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी बज रहे हैं 7 और हम पहुँच आ चुके हैं रतनपुर से बिलासपुर वापस और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।